बनने के लिए आप तैयार हैं? लॉयर से बात करके जल्द से जल्द पेपर बनवाता हूँ, उसके बाद टी और दादी माँ के सिग्नेचर ले लेंगे। आज मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। इतने दिनों तक मैंने आपको अपने आप से दूर रखा। जाने कैसा है खुमार, ये दिल कहीं खो न जाए। चलो बालिके, अधूरा कार्य पूरा कर। दक्ष, अरे अनु, दिस इज नॉट फेयर। काम्या, अनु तुम ऐसा नहीं कर सकती। देखो, मिश्रा जी बोलिए। सुबह सुबह आपने फोन कैसे किया? धनंजय जी, आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी, इसलिए। आप तो जानते हैं कि मेरी वाइफ का अमेरिका में पिछले कई महीनों से दिल का इलाज चल रहा है जी। कल उनका ऑपरेशन है, इसलिए मुझे अमेरिका जाना पड़ रहा है। अभी सुबह 9 बजे की फ्लाइट है, 10-12 दिन में वापस आ जाऊंगा। क्या? अरे आप अच्छी तरह से जानते कि वो पेपर्स मिलने कितने इंपॉर्टेंट है, उसके बावजूद भी आप। देखिए, अगर जाना इतना जरूरी नहीं होता तो मैं आपका ये काम करके जाता। इट्स एन इमरजेंसी। ठीक है, देखिए आप अच्छी तरह से जानते कि हम नया लॉयर भी अपॉइंट नहीं कर सकते। एज यू नो वी आर सिंघानियाज, अगर ये बात किसी को पता चल गई तो हमारा प्लान चौपट हो जाएगा। नहीं नहीं, आई नो एवरीथिंग। अगर वहां सब कुछ ठीक रहा तो मैं जल्द से जल्द वापस आने की कोशिश करूंगा। जी, आप जैसे ठीक समझे। थैंक यू। क्या हुआ मिस्टर मिश्रा, कहीं बाहर जा रहे हैं क्या? अमेरिका जा रहे हैं, उसकी बीवी का ऑपरेशन है दिल का, 10 दिन के बाद लौटेगा। 10 दिन? यानी कि इस डियर नाम की मुसीबत को हमें 10-12 दिन और बर्दाश्त करना पड़ेगा? नो नो वे, मैं इस लड़की को और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे बर्दाश्त करना पड़ेगा तुम्हें, कोई ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। जब इतने साल इंतजार कर लिए तो 10 दिन की बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया माता रानी कि आपने मेरी सुन ली। आप देखना, इनके इन 10 दिनों को मैंने 10 जन्मों जितना लंबा नाम बना दिया तो मेरा नाम भी अनुपमा नहीं। पैसों से बहुत प्यार है ना आप लोगों को,
इसी पैसे के लिए आप लोगों ने मेरी जान तक लेने की कोशिश की। अब देखिएगा कैसे मैं इन्हीं पैसों के लिए आप लोगों को मोहताज बना दूंगी। क्या है वो सेठ? अपुन तुम लोगों को ये बोलने आया है कि जल्दी जल्दी अपुन का साइन लो और अपुन को यहाँ से कल्टी करो। अपुन को अपनी लाइफ में वापस जाने का है। तुम्हें यहाँ अगले 10 दिनों तक रहना होगा। 10 दिन? अरे नहीं नहीं सेठ, अपुन 10 दिनों तक यहाँ पर नहीं रह सकता। अभी वो क्या है ना, अपुन को अपना चौल और वहाँ के लोगों का बहुत याद आ रहा है। देखा आपने इस लड़की के नखरे? जब हम इसे इस घर से बाहर निकालना चाहते थे तब इसे अपने मोहल्ले की याद नहीं आई, तब यहाँ रुकने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढती थी। लेकिन आज जब हम खुद इसे यहाँ रुकना चाहते हैं तो ये जाना चाहती है यहाँ से। हाँ ऐसे ठानी, जबान संभाल के बात करने का क्या? अपुन का भी इज्जत है। ए लड़की, ये आंखें किसी और को दिखाना, मुझे ये आंखें दिखाई ना तो तेरी ये आंखें निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, समझी? ये टिया कौन है? अच्छा अच्छा अच्छा, वाह वाह वाह, फंटास्टिक फंटास्टिक, ना अब तू अपना नाम भी भूल गई है, नाम झूठ ना बुलाए। मैं अनुपमा हूँ नानी। अच्छा तो फिर मैं भी कांता नहीं हूँ, मैं भी रानी मुखर्जी हूँ। बकवास बंद कर और दफा हो जाए यहाँ से, और मेरे रसगुल्लों का स्वाद ही खराब। तो मेरे रसगुल्ले कहाँ गए? ये रहे।
माया। अच्छा अच्छा चल अभी बहुत हो गया। दिमाग तो नहीं खराब हो गया कि किस तरह के कपड़े पहने? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कि अनुपमा इस तरह के कपड़े नहीं पहनती है। ये सब क्या है टिया रानी, बैग और ये सब क्या है? वो क्या है ना सेठ, अपन तुम लोगों का काम छोड़कर जा रहे हैं, इसलिए अपन को इजाजत दो। टाटा, सी यू, बाय बाय। देखो मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि तुम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती, समझे तुम? सेठ, अपुन ने बहुत सोचा लेकिन अपुन का दिल यहाँ पे रुकने के लिए मान ही नहीं रहा है, इसलिए अब चाहे जो भी हो जाए अपुन तो यहाँ से जा रहे हैं। हमारे खिलाफ जाने का अंजाम तुम अच्छी तरह से जानते हो टिया, तो कदम उठाना नहीं चाहते वो उठाने के लिए हमें मजबूर मत करो। क्या कर लेगा सेठ, ज्यादा से ज्यादा अपुन को मार डालेगा ना तो मार डाल, अभी अपुन को यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तुम तो बुरा मान गए टिया रानी, हमारे कहने का वो मतलब नहीं था। क्यों मिला? देखो ना, अगर इसमें अगर हमारा फायदा है तो साथ ही साथ तुम्हारा भी तो फायदा है ना? वो तो है सेठ, लेकिन क्या है ना, अभी अपन ये रोज रोज की बेइज्जती नहीं सहन कर सकता। बेइज्जती? अरे हमने कौन सी बेइज्जती कर दी तुम्हारी? अरे अगर हमने गुस्से में ऐसे कुछ कह भी दिया उससे बेइज्जती थोड़ी ना हो जाती है। वैसे भी टिया रानी, हमें कौन सी पूरी जिंदगी साथ बितानी है? बस एक बार ये काम हो जाए, एक बार ये सिग्नेचर हो जाए, उसके बाद तुम अपनी दुनिया में और हम हमारी दुनिया में। ठीक है सेठ, अभी तुम इतना बोलता है तो अपन रुक जाता है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन अपन की एक शर्त है। कैसी शर्त टिया रानी? तू अगर चाहता है कि अपन यहाँ पे रुके ना, तो ये हंटर वाले को आंखें और गर्दन झुकाकर हाथ जोड़कर अपुन से माफी मांगनी पड़ेगी। तभी जाकर ये मैटर खत्म होगा। सोच लो सेठ, नुकसान तुम लोगों का ही है, अपुन का यहां बाहर बढ़ता हुआ एक एक कदम तुम लोगों के सपनों को चूर चूर कर सकता है। साला जब तुम लोगों को फिक्र नहीं है तो अपुन काय को मरे, भाड़ में जाओ तुम लोग। अरे टिया रुक जाओ, मैं मीरा को समझाता हूँ। जानती थी भैया कि जिस जायदाद से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, आप जिसके लिए किसी की जान ले सकते हैं तो अपना मान सम्मान भी दे सकते हैं। मेरा वो टिया रानी जो कह रही है ना, कर दो ना। आपका दिमाग तो नहीं खराब हो क्या? इस दो कोड़े की सड़क छाप लड़की से मैं माफी मांगूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं तो आप चले। अरे मैं बात कर रहा हूं ना, बात कर रहा हूं मेरी माँ। देखो मेरा, देखो हमारी जिंदगी भर की मेहनत दांव पे लगी हुई है, जब ये दौलत हमें मिल रही है तो इस छोटी सी बात को लेकर। छोटी सी बात नहीं है धनंजय, ये मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। काय का सेल्फ रिस्पेक्ट जब दौलत ही नहीं रहेगी, क्या करोगे इसको लेकर?
जाना मान जाऊंगा मेरे खातिर प्लीज। ठीक है मुझे माफ कर दो। माफी मांग रही है कि धमकी देने लिए? अरे जरा नजरें झुकाकर प्यार से थोड़ा इमोशन से माफी मांगो। मुझे माफ कर दो और ये घर छोड़कर मत जाओ प्लीज। क्या अब उनको सुनाई नहीं दिया? थोड़ा जोर से बोला। मुझे माफ कर दो और ये घर छोड़कर मत जाओ प्लीज। थोड़ा और इमोशन हो सकता था तेरी माफी में, पर चल तेरा पहला बार है तो अपुन तेरे को माफ करता है। हाँ तो सेठ अपुन इधर ही रुकेंगे। थैंक यू। मेरा वो क्या है ना कि ये तो सिर्फ शुरुआत है भाभी, आगे आगे देखिए होता है क्या। नीला क्या कर रही हो? चोट लग जाएगी तुम्हें। चोट लग जाएगी? इन कांच के टुकड़ों से उतनी चोट नहीं लगेगी जितनी दो कौड़ी की लड़की टिया ने मुझे दी है। तुम्हारे दर्द को मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूं मीरा। जो भी हुआ मुझे उसका बेहद अफसोस है। अफसोस इसीलिए जब वो दो कौड़ी की लड़की खड़ी होकर मुझे अनाप शनाप कह रही थी, अब मौन खड़े अफसोस ही तो मना रहे थे, है ना? तुम मुझ पे शक कर रही हो? अपने पति पर शक होता तो आपसे इस तरह से नाराज नहीं होती। मुश्किल तो यह है कि मुझे पूरी तरह से यकीन है कि अब आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपको मेरी इज्जत और मेरी बेइज्जती से कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो आप उस लड़की का साथ देने की बजाय मेरा साथ देती और उस लड़की को। बस बस मीरा, तुमने बहुत कह लिया और मैंने बहुत सुन लिया। सिर्फ तुम्हारे प्यार के खातिर मैंने उस लड़की को यहां से जाने से रोका। तुमने इस दौलत को पाने के लिए, हमारे मकसद को पाने के लिए कितनी मेहनत की है, यहां तक कि हमारे बच्चे ईशान को इतने सालों तुमने अपने से दूर रखा। दक्ष को तुमने झूठे प्यार का यकीन दिलाया ताकि वो जिंदगी भर हमारे काबू में रहे। पर इतना ही नहीं, अनुपमा के खून से तुमने अपने हाथ भी रंग लिए। अब तुम ही बताओ मुझे, तुम्हारे इस त्याग को, तुम्हारी इस कुर्बानी को मैं कैसे खाली जाने देता? अगर आज वो दो कौड़ी की लड़की इस घर से बाहर चली जाती तो दौलत तो क्या हमें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती मीरा। फिर क्या होता? क्या होता उन सपनों का जो हमने साथ में बैठकर बुने थे? क्या होता हमारे ईशान का? सोचा है तुमने? अब तुम्हें अभी भी यकीन नहीं है तो मैं अभी और इसी वक्त उस दो कौड़ी की लड़की को सामान समेत बाहर फेंकता हूं। रुकिए, नहीं रहने दीजिए उसे इस घर में। अपने मकसद को पूरा करने के लिए जब हमने इतना सब कुछ किया है तो ये भी सही, वो लड़की इस घर में रहेगी जब तक कि जायदाद के पेपर्स पर साइन नहीं कर देती। सदा सुहागन रहो बेटा। दादी आपको इतना खुश देखकर बहुत अच्छा लग रहा है।
सब तेरी वजह से हुआ है बेटा। तूने हवन जो करवाया था ना, शांति हवन, उससे ना मन की सारी घबराहट दूर हो गई है। अब ऐसा लगता है कि भगवान की दया से सब अच्छा होगा। अनु, ये देख बेटा, मैंने माता रानी के लिए नए जोड़े बनवाए हैं। अच्छे हैं ना? हाँ। ले। अनु बिना सारी दुनिया का ख्याल इसे, सिर्फ मुझे छोड़कर एक गुड मॉर्निंग किस के लिए इतना तरसा रही है। हेलो। हेलो जाने मैं, येलो साड़ी में कैसी लग रही हूं? जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन। जी जी, हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। तुम्हें भले ही ना चाहिए, पर मेरा जो किस तुम पर उधार है ना, वो मुझे चाहिए। उसे लिए बगैर मैं तुम्हें चैन से बैठने नहीं दूंगा। इसलिए सोच लो, खुद ब खुद दे दोगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो मैं आकर दादी के सामने ही। अब, नहीं, हमें लोन नहीं चाहिए। देखो अनु, किसी को इस तरह तड़पाना ठीक नहीं है, ओके? अच्छा सुनो, कम से कम एक बार आई लव यू तो कह दो। चलो अभी आई लव यू कह दो। जी 143। नहीं, 143 से नहीं चलेगा, ओके? तुम्हें बाकायदा मुझे आई लव यू कहना होगा, और वो भी अभी इसी वक्त कहना होगा। जी लेकिन मुझे लोन की। दक्ष बेटा, अनु को लोन नहीं चाहिए बेटा। बेटा ये शरीर बूढ़ा जरूर हो गया है, लेकिन आंखें अभी इतनी कमजोर नहीं हुई है कि गालों पे शर्म की लाली भी ना दिखाई दे। माता रानी, तुम दोनों को हमेशा खुश रखे बेटा। तुम दोनों के प्यार को किसी की नजर ना लगे। गरम गरम जरा। ऐसे घूर घूर के क्या देख रहा है? कभी लड़की नहीं देखी तूने? अबे उसको देख रहा हो तो तेरे को क्यों मिर्ची लग रही है? क्या बोला तू? हाँ क्या बोला तू? तेरी तो क्या बोला तू? अर्जुन, पागल हो गया क्या? अरे वो तो लुखे लोग हैं, उनके लिए काय को अपना खून जलाते हैं। संभाल अपने आप को। या कोई तेरे से बदतमीजी करे, कोई तेरी छेड़े, या उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। उनका खून खोल जाता, एकदम पागल हो जाता। उनको तभी भी अच्छा नहीं लगता था जब तू दक्ष के साथ। अरे ये नहीं कह रहा तुझसे कि दक्ष बुरा है, पर तू उसके पास उसकी अनु बन के गई थी, और अगर वो तेरे को अनु समझ के कुछ। ऊपर से वो साला कमीना ईशान, उसकी खुद की बीवी होते हुए उसकी तुझ पे नजर थी दिया। अर्जुन, अब तेरे को क्या हो गया? अपुन तो अनु को ईशान के बारे में बताना भूल ही गए। अनु को टिया समझ के उसने कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो ये तो लोचा हो जाएगा।
चलो चलो। तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना। हमेशा वही होता है जहां फूल होता है, तो हम भी बस तुम्हारी खुशबू से तुम्हारे पास खींचे चले आए। अब बस एक बार सीने से लगा लो, फिर दिल को चैन दिया जाएगा। ईशान छोड़ो मुझे, छोड़ो। क्या करें? टिया क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, ये क्या हो गया है ईशान को? ये मुझसे ऐसी बातें कैसे कर सकता है? अगर कहीं दक्ष ने ये सब देख लिया तो। I love you, dear. तुम्हारे बिना एक एक पल मैंने कैसे गुजारा है तुम्हें कैसे बताऊं? मैं तो भूल ही गई थी, इन लोगों की नजर में मैं अनु नहीं टिया हूँ, लेकिन फिर भी मुझे। दीदी आपने मुझे बताया नहीं कि रिद्धिमा को क्या गिफ्ट दूं, बताइए ना। शान, तुम यहाँ पर? वो एक्चुअली मैं रिद्धिमा को एक सरप्राइज देना चाहता था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो दीदी से पूछने चला आया। मैं चलता हूँ। ओके, थैंक यू। ब्यूटिफुल रोजेस फॉर द मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन दिस वर्ल्ड। कल तक तो तुम्हारी दूरी जान ले रही थी, अब लगता है तुम्हारी करीबी मार डालेगी। पता है अनु, तुम्हारे चेहरे पर उदासी देखकर मुझ पर क्या बीतती थी, मुझे खुद अपने प्यार पर शक होने लगता था कि क्या वाकई में मेरा प्यार इतना कमजोर है कि तुम्हारे जख्मों पर मरहम भी नहीं लगा सकता। ये ईशान को क्या हो गया है? अगर वो मुझे टिया समझ भी रहा है तो भी वो मेरे इतने करीब कैसे आ सकता है? मुझे इस बारे में टिया से बात करनी होगी, लेकिन मेरा पहला मकसद होगा धनंजय भैया को ऑफिस जाने से रोकना, क्योंकि दुनिया की नजर में भले ही वो सिंघानिया एम्पायर के कर्ता धरता हूं, लेकिन असल में वो दीमक है जो अंदर ही अंदर सिंघानिया एम्पायर को खोखला किए जा रहे हैं, और मुझे कुछ भी करके उन्हें ऐसा करने से रोकना होगा। तमाशा।
हीरा मेरा नाश्ता कहाँ है? मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी करो। आप ये क्या कर रहे हैं? मामूली सा जख्म है, ठीक हो जाएगा, ये बैंडेज क्यों लगा रहे हैं आप? हर जख्म पहले मामूली ही लगता है भैया, लेकिन वो कितना गहरा है ये तो वक्त ही बताता है। हाँ भैया, अनु बिल्कुल ठीक कह रही है, आप बहुत ऊपर से गिरे हैं, हमें इस बात को इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर, क्या भैया को कंप्लीट बेड रेस्ट करना होगा? जी नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, लेकिन जितना कम चलेंगे फिरेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा होगा। भैया, आज से आपका ऑफिस जाना बंद, आप सिर्फ आराम करेंगे, ओके? अरे नहीं बेटा, और वैसे भी आज की जो मीटिंग है बहुत इम्पोर्टेंट है, तुम अकेले कैसे संभालोगे? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। प्रोजेक्ट आपकी सेहत से बढ़कर तो नहीं है ना भैया? धनंजय बेटा, तुम प्रोजेक्ट की फिक्र मत करो, दक्ष है ना, संभाल लेगा। प्लीज भैया, आप मान जाइए ना, आई हैंडल इट। ठीक है, जैसे आप सब। अब क्या होगा, ऑफिस नहीं जाऊंगा तो पैसे कहां से आएंगे? अगर दक्ष ने अकाउंट देख लिया तो उसे मेरे सारे कपड़ों का पता चल जाएगा। Oh my God. ये दवा खा लीजिए, इससे दर्द कम हो जाएगा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको ज्यादा चोट नहीं आई। क्या सोच रहे हैं आप? यही सोच रहा हूँ मीरा कि सीढ़ियों से गिरना मेरी लापरवाही नहीं थी, मेरे पैरों में कुछ अड़ा था। कुछ अड़ा था तो आपको दिखा क्यों नहीं? अरे दिखता तो गिरता नहीं, हो ना हो मुझे गिराने में किसी ने बहुत बड़ी साजिश रची है। कौन हो सकता है वो? कहीं वो टिया तो नहीं? नहीं, टिया नहीं हो सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन कर भी सकती है। उस सड़क छाप लड़की का क्या भरोसा? तुम एक काम करो मेरा, उस पर कड़ी नजर रखो, देखो तो सही कि उसके मन में हमारे खिलाफ क्या चल रहा है। हाँ नो बोल। टिया, हमने जैसा सोचा था ना, सब कुछ बिल्कुल वैसा हुआ। साले के साथ कितना तड़प रहा होगा ना ऑफिस जाने के लिए। हाँ टिया, लेकिन इस वक्त ये सब छोड़ो, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है ईशान के बारे में। ईशान? आज ईशान ने मेरे साथ जो हरकत की ना, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ईशान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो अनु, ये सारा गलती ना अपुन का है। उस घर में टिके रहने के लिए ना अपुन ने ईशान को अपना मोहरा बना लिया था। क्या? अरे अभी अपुन क्या करती, वो मीरा और धनंजय को पता चल गया था कि अपुन उनका मकसद पूरा नहीं करने वाली है। देर से मिलकर आज अपुन को ऐसा लगा जैसे अपुन को एक सच्चा दोस्त मिल गया था। माफ कर देना अनु। नहीं नहीं ठीक, माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए कि मेरी वजह से तुम्हें ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। अच्छा सुन, अपुन तेरे को एक जरूरी बात बताना चाहता है। ये जो ईशान है ना, अच्छा इंसान बिल्कुल नहीं है, साला रिद्धमा को धोखा दे रहा है। उस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले
मैंने उसे किसी और दुनिया में भेज दिया। मैं ये शादी भी नहीं करना चाहता। आपने जबरदस्ती रिद्धिमा को मेरे गले में बांध दिया। ये शादी मैंने आपकी वजह से की है। हाँ अनु, ये बिल्कुल सच है। पता है, अपुन जब भी रिद्धिमा को देखते हैं ना, अपुन को बहुत दुख होता है। अच्छा, अभी आगे कुछ सोचा है तूने क्या करना है? मैंने सोच लिया है, इस बार मेरा वार होगा मेरा भाग्य पर। ठीक है टिया, मैं फोन रखती हूँ, तुम्हें सब कुछ बताती रहूंगी। कहीं भाभी ने मेरी बातें तो नहीं सुन ली? किससे बात कर रही थी? अरे किससे मतलब, अपुन लोगों के दोस्तों से। सेठानी, लगता है कल वाला किस्सा भूल गई है तू। याद है ना तेरे को कि अपुन से इज्जत से बात करने का है? मैं जानना चाहती हूँ कि धनंजय के साथ आज जो कुछ भी हुआ उसमें कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं था? चुप क्यों? क्या सेठानी, जरा सोच के बोलने का ना। अपुन सेठ के साथ ऐसा काहे को करेगा? उल्टा तो अपुन ये सोच रही थी कि कहीं सेठ को कुछ हो गया ना तो अपुन के अग्रीमेंट का क्या होता। साला इतने महीनों तक मेहनत करने के बाद फिर तो अपुन को खाली हाथ यहाँ से जाना पड़ता। कुछ भी बोलती है सेठ। ए, तू ठीक तो है ना? अपने आप में पता नहीं क्या बड़बड़ा रहे हो। बता ना बात क्या है। टिया, टिया, अपुन अगर तेरे से बात पूछे तो। टिया, वो अपुन ने अन्नू और तेरे को बात करते हुए सुना भी की थे तो वहाँ पे उस घर में रहने के लिए उस ईशान को पटाना पड़ा। हाँ तो तूने उसको पटाया कैसे? अरे ज्यादा कुछ नहीं, बस दो चार अदाएं दिखाई अपुन की और अपुन भी लट्टू हो गया बस। ये अर्जुन, अपुन को ना कुछ जलने का बुआ रहा है। कुछ जल रहा है क्या? कुछ नहीं कुछ नहीं, मेरा दिल जल रहा है, पर तेरे को इससे क्या। अर्जुन सुन तो, अपुन जानता है अर्जुन तेरे दिल में जलन काहे को हो रही है। रिद्धिमा, अरे दीदी आप आइए ना। बात है रिद्धिमा, तुम कुछ परेशान से लग रही हो। नहीं नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। झूठ मत बोलो रिद्धिमा, तुम अपना दुख मुझसे नहीं छुपा सकती। तुम्हारी ये मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द छुपा है ना, उसे मैं देख सकती हूँ। दीदी आप क्या कह रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रिद्धिमा, मैं जानती हूँ कि कुछ दिनों से तुम्हारे और ईशान के बीच में
सब कुछ ठीक नहीं है। नहीं रिद्धमा, रोते नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं है। ये आंसू तुम्हें कमजोर कर देंगे। तुम्हें क्या करूं दीदी? अपनी ताकत को पहचानो रिद्धमा, और तुम्हारी ताकत है तुम्हारा प्यार। ईशान को प्यार करती हो ना, तो फिर बिना किसी उम्मीद के अपना फर्ज निभाते जाओ। एंड ट्रस्ट मी, एक ना एक दिन ईशान को तुम्हारे प्यार का एहसास जरूर होगा, और फिर देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं समझ गई थी, मैं समझ गई कि मुझे क्या करना है। मजबूर कर दूंगी कि आप खुद तिजोरी की असली चाबियां मेरे हाथ में दे दोगे। तो देखिएगा भाभी, अब इस चाबी के साथ मैं कल कौन सा खेल रचाती हूँ। क्या हुआ मीरा? अरे मैंने तिजोरी की चाबियां रखी थी, वो नहीं मिल रही हैं। अरे तुम जानती हो ना कि चाबी कितनी जरूरी है? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि चाबियां मामूली नहीं है, इसलिए तो मैंने संभाल कर रखी थी। मगर मीरा, मीरा, ये तुमने क्या किया? ढूंढो अभी से। अभी वो पेपर्स जरा जल्दी ला दीजिए ना, मुझे कुछ जरूरी मीटिंग के लिए जाना है। दक्ष, मैंने पेपर तिजोरी में रख दिए थे और तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही। आप क्या कह रही हैं भाभी? भाभी जरा देखिए ना, आपने ही यहीं कहीं रख दिया होगा और भूल गई होंगी शायद। मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने चाबी अपने सिरहाने ही रखी थी, लेकिन अब वहां नहीं है। वहीं रखी थी तो फिर वहां से गायब कैसे हो गई? भाभी आप रिलैक्स हो जाइए, याद करके देखिए आपने कल रात को चाबी कहाँ रखी थी। मैंने सब जगह देख लिया, चाबी कहीं नहीं है। ये भी कोई बात हुई मीरा?
तिजोरी में सिर्फ पैसे नहीं रहते, कितने जरूरी कागजात भी होते हैं। हाँ भाभी, आप ऐसी लापरवाही कैसे कर सकते हैं? दक्षा परेशान मत होइए, अब एक काम करते हैं, सब मिलकर चाबियां ढूंढते हैं, होंगी तो इधर कमरे में ही ना, मिल जाएंगी। भाभी ये सब छोड़िए प्लीज, वो पेपर्स ला लीजिए। ये तो शुरुआत है भाभी, पिक्चर अभी बाकी है। कैसा फील कर रहे हैं भैया? पहले से बेहतर हो बेटा, वेरी नाइस। दक्ष, तिजोरी में पेपर्स नहीं है। क्या? अभी मैंने आपको बताया था पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें संभाल कर रखे। अभी आप कह रही हैं कि पेपर्स नहीं मिल रहे? मेरी समझ में नहीं आता, पहले तिजोरी की चाबी और अभी पेपर्स, बस रॉन्ग हुई थी भाभी। बेटा, मैंने वो पेपर्स तिजोरी में ही रखे थे, तो फिर गए कहाँ? मुझे लगता है तुमने चाबी की तरह पेपर्स भी कहीं और ही रख दिए होंगे। दादी, मेरे अपने हाथों से वो पेपर्स तिजोरी में रखे थे। भाभी, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, शायद आपने कहीं और रख दिए हो। पेपर्स तो वही। ये भैया के कमरे में मैगजीन वाले टेबल पर रखते हैं। जी भाई। अभी ये हो क्या गया आपको? व्हाट इज दिस? चीज़ आप रखती है सिरहाने पे, ढूंढते कहीं और निकलती है ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर्स। अरे पेपर्स, आपने कहा इन्हें आपने तिजोरी में रखे थे, तो फिर ये मैगजीन्स के साथ कैसे निकले? भाभी, जो रिस्पेक्ट आज तक आपको इस घर में मिलती आई है, आप उसके लायक हैं ही नहीं। और जब आप उसके लायक नहीं हैं, तो फिर वो मान सम्मान आपको मिले ही क्यों?
मीरा तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम्हारी लापरवाही हमारे लिए कितनी भारी पड़ सकती पता है तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें मीरा? दिमाग खराब हो गया है मेरा, पागल हो गई हूं मैं, इसलिए मुझे खुद अपने ही हाथों अपनी बेइज्जती कराने का शौक चढ़ा हुआ है। अरे मुझे तो ताज्जुब है कि औरों की तरह आप कैसे सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही मैं करूंगी। मुझे अच्छी तरह से याद है कि तिजोरी की चाबियां मैंने अपने सिरहाने रखी थी और वो पेपर्स मैंने अपने हाथों से तिजोरी में रखे थे। अगर फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है ना, तो आप भी मुझे जी भर के ताने दे दीजिए, दे दीजिए ताने। ओके बाबा, यू आर राइट, जस्ट रिलैक्स, तुम बिल्कुल सही। लेकिन जो कुछ भी हो रहा ना मेरा ठीक नहीं हो रहा। मैं यहाँ पड़ा हुआ हूँ, ऑफिस जा नहीं सकता, डर लगता है कि मेरे पीछे से कहीं दक्ष को मेरे घोटालों का पता ना चल जाए। लेकिन सबसे बुरी बात कि दक्ष का इतने सालों का तुम पर जो भरोसा है ना, आज पहली बार डगमगाया है, फर्स्ट टाइम। ये हो क्या रहा है? यही तो मैं भी सोच रही हूँ कि ये सब क्या हो रहा है। देखो जो कुछ भी हुआ ना मीरा, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन आज अभी और इसी वक्त से हमें चौकन्ना रहना होगा, एकदम सावधान। जब तक मैं ऑफिस नहीं जाता, ये तिजोरी ही हमारा सहारा है। घबराइए मत भैया, बहुत जल्द मैं आपके इस सहारे को भी आपसे छीन लूंगी। अनु, दक्ष, आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ भाई, काम जल्दी खत्म हो गया इसलिए आ गया तुम्हारे पास। बहुत अच्छा किया, अब आप यहाँ पर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाउ अनरोमांटिक। अच्छा अनु, सुनो ये रख लो। ये क्या है? इसमें 6 लाख रुपए हैं, कल कोई आकर ले जाएगा घर से, जरा संभल कर। दक्ष, आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं? भाभी को दीजिए ना। अनु, आज सुबह जो कुछ हुआ उसके बाद, यू नो आई मीन, पता नहीं भाभी अगर फिर से कहीं रखकर भूल गई तो। दक्ष, भाभी से गलती हो गई इसका मतलब ये नहीं है कि वो लापरवाह है, और फिर हो सकता है कि वो भैया की वजह से थोड़ी परेशान भी हो। और सोचिए अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने ये मुझे संभालने के लिए दिया है और उन्हें नहीं, तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो, शायद मैं कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहा हूँ। लाओ ठीक है, मैं ये भाभी को दे दूंगा। ये 6 लाख रुपए हैं, इन्हें संभाल कर रख दीजिए, सुबह इनकी जरूरत पड़ेगी। लेकिन मैं, भाभी सुबह जो कुछ भी हुआ उसे प्लीज भूल जाइए। देखिए मेरा इरादा आपको हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, वो उन पेपर्स की वजह से जरा सा, खैर भूल जाइए ना उसे, ये लीजिए प्लीज रख दीजिए ना। भाभी वो कल जो मैंने आपको पैसे रखने दिए थे वो ले आइए प्लीज, कोई आने वाला है उसे देने। अच्छा मैं भी लेकर आई हूँ। दक्ष बेटा, ये जो पैसे हैं वो किस काम के लिए? वो भैया 4 लाख रुपए तो एक एम्प्लॉय के इंश्योरेंस के देने हैं और 2 लाख का एक छोटा सा टैक्स पे करना है बस। अच्छा अच्छा, गुड। ये लो दक्ष। थैंक्स ब्रदर। भाभी मैंने आपको 6 लाख रुपए रखने के लिए दिए थे, इसमें तो सिर्फ 4 लाख रुपए हैं।
कैसे हो सकता है? तुमने जैसे पैकेट दिया था वैसा ही पैकेट ले जाके मैंने तिजोरी में रख दिया था और वही लाके तुम्हें दे दिया। लापरवाही की भी हद होती है मीरा, कल इतना बवाल होने के बाद भी आज फिर वही लापरवाही। मीरा यकीन कीजिए, मैं सचमुच नहीं जानती कि पैसे कहाँ गए। भाभी अपने ध्यान से देखा, शायद उधर ही तिजोरी में कहीं पड़े हो। अरे जब मैंने पैकेट खोला ही नहीं तो तिजोरी में पैसे आएंगे कहाँ से? भाभी मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन एक बार देखने में क्या हर्ष है? ठीक है, आजकल तो जैसे जादू हो रहा है, मैं चीजें रखती कहीं हूं और निकलती कहीं से। यही तो रखे थे। नीचे वाले खाने में कैसे आए? पैसों का पैकेट तो यहाँ ऊपर वाले खाने में रखा था। क्या हो रहा है? दिमाग खराब करके रख दिया मेरा। पैसे तिजोरी के नीचे वाले खाने में रखे थे। भाभी आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? मीरा गलती एक बार होती है, बार बार नहीं। दादी अब एक अकेली भाभी और उन पर इतनी सारी जिम्मेदारियां, तो ऐसे में तो गलती हो ही सकती है ना। ऊपर से वो भैया के पैर को लेकर कल से काफी परेशान है। इन्हें माफ कर दीजिए, अगली बार ऐसा नहीं होगा। हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो, ये परेशानियों में हमने कभी इस बात पर ध्यान भी नहीं दिया, ये भी नहीं सोचा कि भाभी को भी तो आराम की जरूरत है। लेकिन भाभी अब बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। भाभी तिजोरी की चाबी अनु को दे दीजिए, आप सिर्फ आराम कीजिए। लेकिन दक्ष। ओफो भाभी घबराने की कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि अनु बाखूबी आपकी सारी जिम्मेदारियां संभाल लेंगी। नहीं दक्ष, दादी मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं संभाल सकती। तुम्हारे रहते हुए भाभी को इतनी जहमत उठानी पड़ती क्या अच्छी बात है? हाँ लेकिन हाँ हाँ दक्ष, हमें लगता है कि यही सही है। मान जाओ अन्नू, मैं कह रही हूँ। ठीक है दादी, अगर इसी में आप सबकी खुशी है तो मैं ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। तिजोरी की चाबी अनु को दे दीजिए।
किसी की चाल है मेरे खिलाफ, कोई है जो मुझसे खेल खेल रहा है, और अगर वो तुम हो टिया तो याद रखना कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आप अपने दिमाग के घोड़ों को चाहे जितना दौड़ा लें भाभी, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। आप कभी नहीं जान पाएंगी कि ये आपके अतीत के गुनाह ही हैं जो आज आपके सामने आ रहे हैं। और आज आपका सामना अनु से नहीं है और ना ही टिया से है, आपका सामना एक तूफान से है, एक जलजले से है जो आपको बर्बाद करने के लिए उठा है और आपको बर्बाद करके ही थमेगा। जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। जब से जान हमको हो गया है तुमसे प्यार, तुम बिन एक पल भी चैन आए ना करार। तन्हाई में चलता है दिल, धड़कने हैं बेकरार, जागी जागी आँखों में है बस तुम्हारा इंतजार, आंखें बुन रही है आज सपने बार बार, ये दिल खो न जाए हो न जाए हमको प्यार। क्या हुआ? कुछ नहीं, चाबियां मैं तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगा। हाँ भाई, अब आप लग रही हैं बिल्कुल मालकिन। अब इस घर पर आपका राज चलेगा। एक बात बताइए, ये राजपाट पाने के बाद कहीं आप अपने इस गुलाम को भूल तो नहीं जाएंगे? सोचूंगी। छोड़िए ना, नहीं प्लीज। छोड़ूंगा, पहले बताओ कि तुम मुझे भूलोगी तो नहीं? अच्छा बाबा, नहीं भूलूंगी। अब आप जाइए और जल्दी से फ्रेश हो जाइए, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। नहीं नहीं, आप भूल रहे हैं कि मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए मैं जो कहूंगी आपको वही करना पड़ेगा। चलिए जाइए, जाकर फ्रेश होकर नाश्ते के टेबल पर जल्दी से आ जाइए। जाइए जी मैम।
परहेज गुलाम का मेहनता। मीरा भाभी, कल तक इन चाबियों की खनक से आपका गुरूर बहुत खनकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इन्हीं चाबियों की खनक सुनते ही आपका दिल जलेगा। बता दीजिए, मैं उन्हें बता दूंगी। दरअसल मैं एक ज्वेलरी डिजाइनर हूँ। मीरा ने मुझे एक डायमंड नेकलेस ऑर्डर दिया था खास करवा चौथ के लिए, और उसी की डिलीवरी के लिए मैं आज शाम आ रही हूँ। आप प्लीज उन्हें बोल देंगे कि वो पेमेंट रेडी रखें। जी जरूर, थैंक्स। अच्छा, तो मीरा भाभी ने हीरो का हार बनवाया है, चलो अच्छी बात है। बस एक प्रॉब्लम है, इस घर के साथ साथ तिजोरी की चाबियां भी मेरे पास हैं, तो पैसे मांगने भी उन्हें मेरे पास ही आना होगा। अब करवा चौथ के लिए है तो मैं मना तो कर नहीं सकती। चलो इस हार की कीमत तो मैं चुका दूंगी, लेकिन उसके लिए मीरा भाभी को बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। रिया, देख दादी को ज्यादा मत डराना, बेचारी वैसे ही कमजोर दिल की लगती है। अरे अगर डर के मारे सीधा ऊपर पहुंच गई तो? अरे पहुंच गई तो पहुंच गई अपुन की बला से। और वैसे भी इसने और इसकी बेटी ने अपुन की बहन पर कुछ रहम तो खाया नहीं, जो अपुन इस पर रहम खाए। राम 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 न राम जी उठना बुलाए है माया पुत्र दमाद जी, न ये कौन सा पुला खड़ा करके चले गए हो आप दोनों है, न खुद तो चले गए स्टेशन पर घूमने फिरने एंजॉय करने, और मुझे मुझे कल्ले को इतने बड़े घर में छोड़ गए हो उस मनहूस अनुपमा के पूत को एंटरटेन करने के लिए। कोई भी टाइम मैं क्यों ले रही हूँ उस मनहूस कसमन खानी का नाम, उस संकट मोचन हनुमान जी का नाम लेती हूँ। हाँ, और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। मैं हूँ नानी, आपकी अनुपमा। पता है मैं सिर्फ आपसे मिलने के लिए यमराज से छुट्टी लेकर आई हूँ। आप दरवाजा खोलने की तकलीफ मत कीजिए, मैं तो भूल ही गई कि मैं आत्मा हूँ, और आत्मा तो कहीं से भी कभी भी आ जा सकती है। कौन है जाना है जग में कभी संकट मोचन नाम दे। मैं कहाँ से आऊँ? खिड़की से। वैसे आप कहें तो मैं छत से भी आ सकती हूँ। वहाँ घर उतर। हाँ नानी, यही ठीक रहेगा। मैं आ रही हूँ नानी छत से।
बुरा वक्त तो शुरू हो ही चुका है, लेकिन अब देखिए एक नई मुसीबत दरवाजे पर दस्तक देने वाली। ना कोई फोन ना कोई मैसेज एकदम से। पर मैंने तो फोन किया था, मैसेज भी दिया था, लेकिन मुझे तो कोई मैसेज नहीं मिला। खैर छोड़ इस बात को, ये देख मैं तेरा नेकलेस लेकर आई। बहुत बहुत सुंदर है। तुम बैठो, मैं पैसे लेके आती हूँ। हीरों की चमक ने आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर करती है, इसीलिए तो आपको याद नहीं कि तिजोरी की चाबियां अब मेरे पास है। चलिए भाभी, अब वक्त आ गया है कि मैं आपको इस घर में आपकी सही जगह दिखा दूं। इतनी भड़की भी काय को दिख रही है? बकवास बंद कर और तिजोरी की चाबी ला दे मुझे, मुझे उसमें से पैसे निकालने हैं। सॉरी सेठानी, तिजोरी की चाबी अपन देर को नहीं देगी। क्या लगता है कि तू अपनी औकात भूल गई है? तू मेरी ही तिजोरी की चाबियां मुझे देने से इनकार कर रही है? अरे गरम काय को होती है कि चुप कर और अपनी औकात में रहे। चाबियां दे मुझे। ये सब कुछ तेरे बाप का नहीं है जो तेरी जान जल रही है चाबियां देने में मुझे? अरे अपुन कहां कह रहा है कि ये सब अपुन का है, ये सब तेरा ही है। पर क्या है, अभी तिजोरी का चाबी अपुन के हाथ में है। अभी तिजोरी में से एक रुपया भी कम हो गया तो सब लोग तो अपुन को ही सुनाएगा ना। और खैर अपुन की छोड़, अपुन तो बाहर वाली है। ये सोच कि सब तेरे बारे में क्या कहेंगे। आज पहली बार मुझे तेरा मुंह खोलना बुरा नहीं लग रहा है, मगर अगर तू ये समझती है कि मैं उस बुढ़िया के सामने जाकर अपना हाथ फैलाऊंगी तो ये कभी नहीं होगा। देख सेठानी, सहेली के सामने नाक कटाने से अच्छा है कि तू दादी के सामने हाथ फैला दे, है ना? अभी सहेली के सामने नाक कटेगी तो बात फैलते देर थोड़ी ना होगी, सारे शहर को पता चल जाएगा। और फिर सोच, अभी दादी के सामने तो हाथ फैलाएगी तो थोड़े किसी को पता चलेगा, है ना? अभी मुश्किल वक्त में ये जेवर ही तो काम आते हैं। अपुन के कहने का मतलब ये है कि सेठ तो 15-20 दिन तक बेड पकड़कर बैठ गया है, और अभी तेरे पास ये तिजोरी का चाबी भी नहीं है। अभी ऐसे में अगर तेरे को पैसों की जरूरत पड़ेगी तो कहीं ना कहीं से इंतजाम तो करना पड़ेगा ना।
सोच क्या रही है सेठानी, जा दादी के पास जा। वैसे भी उसकी क्या मजा जो तेरे को मना करे। अरे तो जा दादी के पास और जाकर उनसे पैसे मांग। बुढ़िया मुझे 20 लाख रुपए चाहिए। 20 लाख रुपए? पर क्यों? ये मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। मैंने डायमंड का नेकलेस बनवाया है, उसके लिए 20 लाख रुपए चाहिए मुझे। अपनी बहू से कहे कि जाके पैसे निकाल कर दे मुझे। बीस लाख तो क्या, तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। दादी मेरी बदतमीजी के लिए मुझे माफ कर दीजिए। अंदर ऐसा नहीं होगा, लेकिन प्लीज पैसों के लिए ना ना कहिए। प्लीज दादी, फैसला हो चुका है मेरा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। ऐसा मत कहिए दादी, अगर मैंने अपनी फ्रेंड को पैसे नहीं दिए तो मेरे साथ साथ पूरे सिंघाना परिवार की बदनामी होगी। इस खानदान की परवाह तुम्हें कब से होने लगी? वो मैं, चलो ठीक है, जब खानदान की इज्जत का सवाल है तो पैसे तुम्हें दे ही देती हूँ, लेकिन पैसे तुम्हें तब मिलेंगे जब तुम हाथ फैला कर मांगो। फैला कर दादी प्लीज मुझे पैसे दे दीजिए। ठीक है ठीक है, पैसे तुम्हें दे देती हूँ। अनु बेटा मीरा को 20 लाख रुपए दे। मैं जानती हूं अनु बेटा, ये सब नाटक तूने मेरे अपमान का बदला लेने के लिए किया। सच में धन्य हो गई हूं मैं तुझ जैसी बहू पाकर। खुल गया। ले सेठा, बचा ले अपनी नाक को कटने से। वो बुढ़िया जिसे मैंने सालों अपनी एड़ी के नीचे दबा कर रखा, आज जरा सा वक्त क्या बदल गया कि मेरे सर पर लगी नाचने। और तू भी लड़की कुछ कम नहीं है। चुपचाप अगर ये पैसे दे देती तो तेरे बाप का क्या जाता। हाँ ले, इसे कहते हैं कर भला तो हो बुरा। एक तो अपुन ने तेरे को सबके सामने बेइज्जत होने से बचाया, ऊपर से तू अपुन पर इल्जाम लगा रही है। यार बिल्कुल ठीक कह रही है मीरा। देखो अगर तुम ऐसे बिना बताए पैसे निकाल लेती तो दक्ष को हमारे पे शक हो जाता, जो हमारे मकसद के लिए ठीक नहीं है। समझी तुम? ये सब किसने निकाले? मैंने। तुमने? हाँ, आपको पार्टी जाना है ना? ये देखिए, ये रहा आपका नया जैकेट, आपका फेवरेट परफ्यूम, और ये मेरी तरफ से आपके लिए छोटा सा तोहफा। अरे पहन कर तो देखिए। बहुत अच्छी लग रही है आप पर।
तुम्हें कैसे पता कि मैं पार्टी में जा रहा हूँ? जब आप बाथरूम में थे तो आपके एक फ्रेंड का फोन आया था, वो पूछ रहे थे कि आप कब तक पहुंचेंगे। एक मिनट, ये कौन सा नया नाटक है तुम्हारा? पहले तो तुम्हें मेरा पार्टी में जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और आज इतना प्यार। एंजॉय योरसेल्फ। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी ईशान, मैं आपका दिल जीत कर रहूंगी। अच्छा तो मेरा वक्त काम को दिया जा रहा है। अरे बाप रे, गलती हो गई भाई, अब सारा टाइम तुम्हारा ही। अरे मैं तो ऐसी मजाक कर रही थी। ऐसी कोई भी बात जो मुझे तुम्हारा साथ या तुमसे मुलाकात करने का मौका दे, वो मेरे लिए मजाक कैसे हो सकती है? आई एम वेरी सीरियस। अब तुम यहाँ बैठो और मुझे बताओ कि तुम मुझसे क्या कहना चाहती हो। आज मैं आपसे कुछ कहना नहीं बल्कि आपको कुछ देना चाहती हूँ। अच्छा, क्या देना चाहती हूँ? डॉक्टर कहते हैं कि दिन में एक बार एप्पल खाने से बीमार नहीं होते और हेल्दी रहते हैं। अनु तुम तो अच्छा सॉरी लीजिए। अनु वैसे ये एप्पल तो तुम्हें खाना चाहिए, क्योंकि अगर तुम हेल्दी रहोगी तो मुझे भी कुछ नहीं होगा, है ना? दक्ष हबीबी, क्या है दक्ष? अनु ये हरियाणा के कुछ रॉयल पैलेसेस के फोटोग्राफ्स हैं। मैं यहाँ एक 5-star होटल बनाना चाहता हूँ तुम्हारे नाम पे। मेरे नाम पे? तुम्हारे नाम पे। Because you are my wife, my soulmate, my strength. दक्ष मुझे आप मिल गए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। हाँ इसके अलावा अगर कुछ चाहती हूँ तो बस यही कि माता रानी आपकी हर विश पूरी कर दे। I love you too. Hello? Ah. Delhi, Haryana, Potter. ये तो वही हवेली है जिसके बारे में टिया ने मुझे बताया था। भैया भाभी, इस हवेली को लेकर बहुत सपने सजाए हैं ना आपने, पर अब आप देखिए, इस हवेली को आपके गले की वो हड्डी बना दूंगी जो ना आपसे निकली जाएगी और ना उगली जाएगी। I tell you, ये हवेली नहीं, एक हीरो की खान है, हीरो की खान। अगर हमें ये हवेली मिल जाती है ना तो I'll call you later. Yes. जो आपने हरियाणा वाले हवेली का डिटेल्स निकालने का ऑर्डर दिया था मुझे, उसका डिटेल्स मैंने निकाल लिया सर। That's great. So, who's the owner of the place? किसकी है वो हवेली? आप ही के हैं सर। What? Yes sir. ये रही उस हवेली की डिटेल्स। Oh my God, I can't believe it. जिस हवेली के लिए मैं मुंह मांगी कीमत देने को तैयार था वो हमारी निकली। Yes sir. Great job. Thank you so much. मुझे ये खुशखबरी सबसे पहले अनु को देनी चाहिए, वो बहुत खुश होगी। हाँ दक्ष। अनु मुझे अभी पता चला है कि जो हवेली मैं तुम्हें करवा चौथ पर गिफ्ट करना चाहता था वो दरअसल हमारी है। क्या कह रहे हैं आप दक्ष? Yeah, it's true, अनु, वो हवेली दादी के नाम पर है। अनु I'm so happy. अभी खड़ा रहा हूँ। चलिए भैया भाभी, देर से ही सही लेकिन आप लोगों का असली चेहरा दक्ष के सामने आकर ही रहेगा। और इसमें सबसे खुशी की बात तो ये है कि इसमें मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है।
वो तो फिर से तो नहीं आ गया। पर मेरे सामने में एक बात नहीं आ रही, दोपहर में कैसे आ सकता है उसका भूत? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही माँ? माँ, अरे दरवाजा खोलो माँ। ये तो मेरी मेरी माया पुत्र की आवाज लग रही है। ऊपर कहीं ऐसा तो नहीं है कि माया पुत्र के भेष में ये अनुपमा का भूत आ गया? ओए, मुझे डर लग रहा है। अरे दरवाजा खोलो माँ। ओ भाई, एक बात बताओ मुझे, अगर तू मेरी माया पुत्र ही है तो फिर तू अकेली कैसे दरवाजे पर खड़ी है? और दमाद जी कहाँ है? तुम दोनों गए थे ना हिल स्टेशन पर घूमने फिरने? माँ, उन्हें ऑफिस में जरूरी काम था इसलिए सीधा ऑफिस चले गए हैं। अब मेहरबानी करोगी खोलोगी दरवाजा? घबराइए नहीं नानी, मैं भूत नहीं आत्मा हूँ। मैंने 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 अपनी आंखों से देखा है अनुपमा का भूत, इन कानों से सुना है उसकी बातों को। माया पुत्र, तुझे नहीं पता, तुझे नहीं पता अनुपमा की आत्मा ने, ओ कान खोल के सुन ले मेरी बात, अनुपमा की आत्मा ने मुझे खुद कहा है कि वो इस घर में एंट्री कहीं से भी ले सकती है, छत से भी, दरवाजे से भी, खिड़की से भी, रोशनदान से भी। बेटे वो हनुमान, जय हनुमान, जय चुप, बिल्कुल चुप। ये बात तुमने मेरे सामने तो कह दी है, किसी और के सामने गलती से भी मत कहना। जल्दी से अंदर जाके तैयार हो जाओ, क्योंकि हमें सिंघानिया परिवार के घर जाना है, और वो इसलिए जाना है क्योंकि वहाँ जाके करवा चौथ का व्रत खोलना है। अब अपना मुंह बंद रखो, मुझे पता है तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल है, मगर चुप रहो, बिल्कुल चुप। हाँ, भगवान के लिए। हाय हेलो हो गया ना, चलो फट बाजू में खेलने दे अपन को। अपन खेलने के लिए आया है, पर क्या ना अपन को खेलने नहीं आता, अर्जुन तो सिखाएगा ना खेलने के लिए। नहीं, अर्जुन के पास वक्त नहीं है। अरे क्या टाइम नहीं है, अपुन के पास बहुत टाइम है, बहुत टाइम है अपुन के पास। टिया, तू थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा उधर। हाँ, तू वो देख रही है ना वहाँ पे सामने? हाँ। अभी तू इधर आ और इसको पकड़, ये इसको तू उधर मार। थोड़ा सा रे, एक और ट्राई कर। जेनी को इतने अच्छे से कंचे खेलना सिखा रहा था, तू जेनी को कंचा खेलना नहीं सिखाएगा, ना उसकी तरफ देखेगा ना उससे आपसे बात करेगा। पर क्यों? क्योंकि अपन बोल रहे हैं इसलिए। अपन तेरी बात नहीं माने, अपन को नहीं माननी। अरे तेरे को अपन की बात माननी पड़ेगी। अरे अपन क्यों माने दिया तेरी बात? तेरी अधूरी बात भी समझ गया, लेकिन फिर भी अपुन ये जानने के लिए बेकरार है कि
तू भी अपुन से उतना ही प्यार करती है जितना जितना अपुन तुझसे करता है। अनु, दादी, भैया, भाभी, कहाँ हैं आप लोग? दादी, दादी, I'm so happy today, दादी, I'm so happy, so happy, so happy। आज मैं बहुत खुश हूँ दादी, आपको पता नहीं आज क्या हुआ है। दादी, I'm so happy। हुआ क्या है? क्या बात है जीजू? कोई जैकपॉट या लॉटरी लगी है क्या? अरे जैकपॉट से भी बड़ा जैकपॉट लगा है। यू नो भैया, मैंने अपने नए प्रोजेक्ट के लिए एक प्रॉपर्टी देखी थी और उसके लिए मुंह मांगी कीमत तक देने को तैयार। आज ही मुझे पता चला है कि उस प्रॉपर्टी के असली मालिक तो हम ही हैं। अरे दक्ष बेटा, तुम किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो? अरे हमारी हरियाणा वाली हवेली की। दादी, लॉयर ने मुझे बताया कि प्रॉपर्टी आपके नाम पर है और मैं जब दिल्ली गया हुआ था तब उसने आकर वो प्रॉपर्टी के कागजात भी आपको दिए थे। तो आपने मुझे कभी बताया क्यों? खैर छोड़िए, नहीं बताया तो नहीं बताया, लेकिन अब वो पेपर्स कहाँ हैं? मैं एक बार देखना चाहता हूँ। क्या बात है दादी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? भैया आप ही कुछ बोलिए। कोई मुझे बताएगा कि सब लोग चुप क्यों हैं? क्या बात क्या है? मैं क्या कहूं बेटा, देखो तुम जिस प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हो ना, उसके बारे में मुझे अभी भी पता चला है, वो है तुमसे। क्यों मेरा? हाँ। मिस्टर सिंघानिया, अच्छी तरह से समझ गए आपको क्या करना है? आप बेफिक्र रहिए मैडम। एक्सक्यूज मी, जी कही? आप में से मिस्टर धनंजय सिंघानिया कौन है? जी मैं धनंजय सिंघानिया। मैं हाईकोर्ट की तरफ से आपको ये इन्फॉर्म करने आया हूँ कि हरियाणा में मिस्टर सिंघानिया की एक हवेली है जो नारायणी सिंघानिया के नाम पे है और उसे आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवाने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन दी थी। अगर आज शाम 5 बजे तक आपने कोर्ट में पेपर सबमिट नहीं किए तो आपकी वो पुश्तैनी हवेली हरियाणा सरकार जब्त कर लेगी। ये रहा उसका काम। उसे आपने अपने नाम पर ट्रांसफर करवाने के लिए कोर्ट ने एप्लीकेशन दी। वहाँ क्या देख रही हैं? वो तो टिया है, मेरी हमशक्ल। आपकी अनु तो मैं हूँ, मुझे देखिए ना। बहुत कबड्डी हो गई। चलो